ये किस्सा है इंदौर के नामी ग्रामी डेली कॉलेज का। जी हाँ, जिस डेली कॉलेज का नाम बड़े गर्व से लिया जाता है और कहा जाता है कि यहाँ बड़े रईसों के, राजा महाराजाओं के लड़के पढ़ते हैं, उसी डेली कॉलेज का एक किस्सा सामने आया है। यहाँ के प्राचार्य द्वारा अपने पद से इस्तीफा दे दिया गया है और यह कहा गया है कि डेली कॉलेज बोर्ड द्वारा उन्हें हटाया गया है और उप प्राचार्य को प्रभार दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्राचार्य हटाए गए हैं उनका नाम है नीरज बड़ोतिया। जी हाँ, नीरज बड़ोतिया के बारे में यह कहा जा रहा है कि वे कॉलेज में आए दिन होने वाली शराब और नॉनवेज की पार्टियों के खिलाफ थे। वे खुद शाकाहारी हैं और वे कभी भी इन पार्टियों में नहीं जाते थे। वे कह भी चुके थे कि स्कूल में ऐसे आयोजन नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर यह पूरा मुद्दा था जिसको लेकर उनके मतभेद डेली कॉलेज बोर्ड से हो गए। डेली कॉलेज बोर्ड में कई लोग ऐसे हैं जो इस तरह की पार्टियों को पसंद करते हैं और उन्हें बढ़ावा भी देते हैं। आए दिन ये पार्टियां चर्चा का विषय भी बनती हैं। कुल मिलाकर इस पूरे मुद्दे को लेकर जब मतभेद सामने आए तो फिर बोर्ड ने नीरज बड़ोतिया से इस्तीफा मांग लिया। कुल मिलाकर यह भी कहा जा रहा है कि बड़ोतिया हर पद हर टेंडर के लिए अपनी पसंद के लोग चुनना चाहते थे और बोर्ड को ऐसा लगा कि वे मनमानी कर रहे हैं, इसलिए बोर्ड ने प्राचार्य पद के लिए नया नाम तलाशना शुरू कर दिया। डेली कॉलेज के प्राचार्य का पद पहले से ही चर्चा का विषय रहा है। इसके पहले भी सुमेर सिंह को हटा दिया गया था, उन्हें भी रातों रात हटाया गया था और उनका नाम भी बेहद चर्चा में रहा। कुल मिलाकर सबसे बड़ी बात यह भी कही जा रही है कि डेली कॉलेज में पूर्व छात्रों का भी दबदबा रहा है और कई महत्वपूर्ण पदों पर वे ही पदस्थ हैं। उस सदस्यों की पत्नियां स्कूल की शिक्षिकाएं भी हैं। बताया जाता है कि बड़ोतियां पूर्व छात्रों के दबदबे को नापसंद कर रहे थे। कुछ पदों पर उन्होंने समानांतर नियुक्तियां भी कर दी थी। इसमें अहम बरसेर परचेसिंग डिपार्टमेंट हेड का पद भी शामिल है जिसे लंबे समय से हर्षवर्धन संभाल रहे थे। नरेंद्र सिंह झाबुआ के बारे में भी कहा जाता है कि उनका भी तालमेल लंबे समय से बाकी मेंबर्स से नहीं बैठ पा रहा था और कई मुद्दों पर मतभेद उभर कर आ रहे थे। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।